हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल जीके ओडिशा। सांग मैंने आज आम जेकि ओडिशा रो जियोग्राफी उपर किसी क्वेश्चन डिस्कशन करवा जे कि आमर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू रु बहुत बहुत गुरुत्वपूर्ण रहुची। ये कौन सी पर्टिकुलर एग्जाम पाई नुहे, ओडिशा गवर्नमेंट रा प्रत्येक अपकमिंग एग्जाम पाई वीडियोटी गुरुत्वपूर्ण रहिबो। खास करके फायरमैन एग्जाम जे कि बहुत जल्दी होबाक जाउची, फायरमैन एग्जाम पाई आज वीडियोटी बहुत बहुत इंपोर्टेंट रहुची। वीडियो को आपण शेष पर्यंत देखंतु। जदि भी आपण मानको यार पीडीएफ दरकार, आपण माने हम जीके ओडिशा टेलीग्राम चैनल जॉइन करके यार पीडीएफ टी को पाई परिबे। तबे चलंतु डेरी न करके आज प्रथम क्वेश्चन टी को आरंभ करिबा। हु रोड द ग्रेट ओडिया पोएम जे कि तपस्विनी, ए तपस्विनी रो जे कि लेखक किए आमको पचारा कौन ना तपस्विनी हूँ गोटे ग्रेट ओडिया पोएम जे कि तपस्विनी लेखक किए। करेक्ट आंसर कौन है कहतु ना ऑप्शन सी गंगाधर मेहर। गंगाधर मेहर होती आमर तपस्विनी लेखक, एवं गंगाधर मेहर केवल तपस्विनी को लिखी नथिले, सी भी आउरी किछि तांकर प्रसिद्ध लेखा बा प्रसिद्ध बुक थिला। से बही ना कहूँ आपको आप मन रखु गोटे हूँ किचक बध नोट करूँ, गोटे हूँ किचक बध, द्वितीय हूँ इंदुमती, तृतीय हूँ पद्मिनी, एवं आउ गोटे हूँ तपस्विनी। ये हूँ प्रसिद्ध लेखा बुझिपारे जे कि गंगाधर मेहर द्वारा तपस्विनी नामक कौन नाम तपस्विनी पोएमटा को सी लिखी ओडिया पोएम जे कि आहरी किसी प्रसिद्ध लेखा अच्छी जे कि प्रसिद्ध बुक कहले चलो जे कि गोटे हूँ किचक बध नोट करुवे किचक बध, आ गोटे हूँ इंदुमती, आ गोटे हूँ पद्मिनी बुझिपारे। ये जे कि सब आम गंगाधर मेहर द्वारा लिखा जा। तेज चलतु नेक्स्ट क्वेश्चन देखा, क्वेश्चन नंबर टू। क्वेश्चन टी कहला व्हेन वाज द पंचायतराज सिस्टम इंट्रोड्यूस्ड इन ओडिशा। ओडिशा रे केबे पंचायतराज सिस्टम टाकू बा पंचायतराज व्यवस्था को इंट्रोड्यूस्ड करा जाय थिला। करेक्ट आंसर कौन है कहतु क्वेश्चन नंबर टू रो ना ऑप्शन डी 1961 जे कि पंचायतराज सिस्टम टाकू ओडिशा रे इंट्रोड्यूस्ड करा जाय थिला। बहुत बढ़िया क्वेश्चन बा इंपोर्टेंट क्वेश्चन मन रखिथिबे, पंचायतराज सिस्टम टाकू ओडिशा रे केबे इंट्रोड्यूस्ड करा जाय थिला ना 1961 जे कि इंट्रोड्यूस्ड करा जाय थिला। मन रहला तीन प्रकार रो पंचायतराज सिस्टम टाकू इनक्लूड करा जाय थिला जे कि गोटे हूँ विलेज लेवल, मन रखु गोटे हूँ विलेज लेवल, एवं आउ गोटे हूँ कौटी ना ब्लॉक लेवल, एवं आउ गोटे हूँ डिस्ट्रिक्ट लेवल। आम भिलेज लेवल कौन कहवा ना ग्राम पंचायत, भिलेज लेवल जोटा आम कह ग्राम पंचायत, एवं ब्लॉक लेवल जोटा कौन कहवा ना पंचायत समिति, ब्लॉक लेवल जोटा कह पंचायत समिति, एवं डिस्ट्रिक्ट लेवल जोटा कह कौन ना जिला परिषद, जिला परिषद। डिस्ट्रिक्ट लेवल जोटा आम जिला परिषद कह, ब्लॉक लेवल जोटा पंचायत सिस्टम कह, सॉरी पंचायत समिति कह, तापर विलेज लेवल जोटा ग्राम पंचायत बोली कह। जमीक प्रत्येक विलेज अच्छी ग्राम पंचायत, ठीक से विलेज जाऊँच ब्लक जमीती आम कौन कह जाए ना पंचायत समिति, कौ पंचायत समितिटा, एवं डिस्ट्रिक्ट लेवल से जिनसा कह जाए कौन ना कौ जिला परिषद बुझिपारे जे कि 1961 यार करेक्ट आंसर। तेज चलतु नेक्स्ट क्वेश्चन देखा, क्वेश्चन नंबर थ्री। एटी क्वेश्चन टी कही फर्स्ट वोमेन्स कॉलेज इन ओडिशा, ओडिशार प्रथम वोमेन्स कॉलेज कथा पचारा कौन कहे प्रथम वोमेन्स कॉलेज ऑफ ओडिशा, ओडिशार प्रथम वोमेन्स कॉलेज नाम कौन। करेक्ट आंसर कौन है कहतु ना ऑप्शन बी शैलवाला वोमेन्स कॉलेज, शैलवाला वोमेन्स कॉलेज होची ओडिशार प्रथम वोमेन्स कॉलेज, ऑप्शन बी मन रखिथिबे। जदि आपनको पचारिब शैलवाला वोमेन्स कॉलेज केबे एस्टाब्लिश करा जायथिला कौन कहे ना 1930 1913 जे कि शैलवाला वोमेन्स कॉलेज को प्रतिष्ठा करा जायथिला जे कि शैलवाला वोमेन्स कॉलेज ओडिशार प्रथम वोमेन्स कॉलेज भाव में जनाशुना। क्लीअर आपण कहे ना क्लीअर होनी, तो आपण मन में कौन प्रश्न आसो मुझे जानी प्रश्न आसूची फास्ट जदि प्रथम वोमेन्स कॉलेज शैलवाला वोमेन्स कॉलेज है प्रथम कॉलेज नाम कौन, प्रथम कॉलेज नाम मन रखिथे प्रथम कॉलेज नाम हूँ रेभेन्सा, ठीक अच्छे रेभेन्सा कॉलेज हूँ प्रथम कॉलेज नाम जे कि एस्टाब्लिश करा जाइथिला 1868 एस्टाब्लिश प्रतिष्ठाटा मन रखुथिबे केबे प्रतिष्ठा करा जाइथिला एग्जाम रे भी बेले बेले पचार दिए एठी पचारिबो केमिति क्वेश्चन टी भाभी नियंतु पचार देला कौन ना प्रथम वोमेन्स कॉलेज केबे प्रतिष्ठा करा जाइथिला कौन कहबे ना 1913 प्रतिष्ठा करा जाइथिला एवं कॉलेज नाम हूँ शैलवाला वोमेन्स कॉलेज, एवं प्रथम कॉलेज केबे प्रतिष्ठा करा जाइथिला ना 1868 प्रतिष्ठा करा जाइथिला प्रथम कॉलेज नाम कौन बोली जदि पचारे आपण कहबे रेभेन्सा कॉलेज हूँ प्रथम कॉलेज, एवं
प्रथम यूनिभर्सीटर नाम जदि पचारे प्रथम यूनिभर्सीटर नाम जदि पचारे कौन कहे ना उत्कल यूनिभर्सीटी। उत्कल यूनिभर्सीटी होउची ओडिशार प्रथम ओल्ड सबुठारु पुरुणा यूनिभर्सीटी मन रखिथिबे। उत्कल यूनिभर्सीटी होउची ओडिशार सबुठारु कौन प्रथम यूनिभर्सीटी बा सबुठारु पुरुणा यूनिभर्सीटी। केबे एस्टाब्लिश करा जायथिला ना 27 नवेम्बर 1943 रे जे कि आमर कौन प्रतिष्ठा करा जायथिला ना उत्कल यूनिभर्सीटी को प्रतिष्ठा करा जायथिला। कॉलेज रो नाम एवं केबे प्रतिष्ठा करा जायथिला आपण ये मने रखिथिबे। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू रु बहुत इंपोर्टेंट सांग माने रहउची। क्वेश्चन नंबर 4 कौन कहउची देखंतु हु वाज द फर्स्ट मुस्लिम रूलर ऑफ ओडिशा। ओडिशा रो प्रथम मुस्लिम शासक किए कहंतु ओडिशा रो प्रथम मुस्लिम शासक किए। करेक्ट आंसर कौन है कहंतु क्वेश्चन नंबर 4 रो ना ऑप्शन सी सुलेमान खान करानी। सुलेमान खान करानी हेउचंती ओडिशा रो प्रथम मुस्लिम एवं जदि पचारिबो सी केबे शासन करथिले कौन कहबे ना 1568 रे प्रथम मुस्लिम सुलेमान खान करानी जे कि ओडिशा को शासन करथिले। क्वेश्चन नंबर 5 देखंतु इन व्हिच ईयर कोलापहाड़ इन्वेंटेड ओडिशा। कोलापहाड़ ओडिशा केबे आस्तिले कोंतु इन्वेंटेड ओडिशा करेक्ट आंसर कौन है कहतु ना जितेबले जे कि आमर सुलेमान खान करानी ओडिशा को शासन करते प्रथम मुस्लिम भाव में ठीक से ही समय रे जे कि कोलापहाड़ आसते ऑप्शन बी हो जीवो करेक्ट आंसर 1568 बुझले। चलंतु नेक्स्ट क्वेश्चन देखा। क्वेश्चन नंबर 6 कौन कहे आमको बढ़िया क्वेश्चन टी पचारा क्वेश्चन टी कहे बद्रमा वाइल्ड लाइफ सांचुरी इज लोकेटेड इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ। आमर जो बद्रमा वन्यजंतु अभयारण्य रहा एटा आमर केउठी अवस्थित बद्रमा वाइल्ड लाइफ सांचुरी बा बद्रमा वन्यजंतु अभयारण्यटा आमर केउठी अवस्थित करेक्ट आंसर कौन है कहतु ऑप्शन बी संबलपुर। संबलपुर रे जे कि बद्रमाटा आमर बद्रमा वन्यजंतु अभयारण्य अवस्थित एवं ए बद्रमा वन्यजंतु अभयारण्यर अदर नेम जदि पचारिबो कौन कहबे ना उषाकोठी। उषाकोठी मने रखंतु बद्रमारा अन्य नाम हेउची द अदर नेम बद्रमारा हेउची उषाकोठी जे कि आमर संबलपुर रे अवस्थित। सांग माने आपण जदि देखिना दी आमर वन्यजंतु अभयारण्य उपरे मु आपण गोटे वीडियो प्रोवाइड करिची आमर ओडिसा रे केतोटी वन्यजंतु अभयारण्य अछि टाइगर रिजर्व उपरे रामसर साइट उपरे एलिफेंट रिजर्व उपरे नेशनल पार्क उपरे टोटल गोटे वीडियो मु आपण को सब प्रोवाइड करिची आपण माने जदि देखिना दी आपण माने हम प्लेलिस्ट रे विजिट करिकि देखि परिबे। चलंतु नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन टी पचारिला हुई डिस्ट्रिक्ट लीड इन द प्रोडक्शन ऑफ झोट। झूट ठीक अच्छे आमर जो झोट जो जहाँ कहूँ जे कि क्यों डिस्ट्रिक्ट अधिक मात्रा रे झोटटा प्रोडक्शन करा जाए कहतु झोटटा क्यों प्रोडक्शन करा जाए अधिक मात्रा रे ना ऑप्शन बी केन्द्रापड़ा। केन्द्रापड़ा डिस्ट्रिक्ट रे जे कि झोटटा अधिक मात्रा रे प्रोडक्शन करा जाए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु क्वेश्चन नंबर 8 सांग माने एठी कहू छी कि मुस्टार्ड जे कौन ना आमर सोरिष ठीक अच्छे सोरिष सोरिष उत्पादन रे अधिक केउटी प्रोडक्शन करा जाउ छी कहंतु ओडिसा रो केउ डिस्ट्रिक्ट ओडिसा रो केउ जिला रे अधिक मात्रा रे सोरिष प्रोडक्शन करा जाउ छी। करेक्ट आंसर कौन हेबो कहंतु आपण कहबे ऑप्शन डी बालेश्वर। बालेश्वर रे जे कि आमर अधिक मात्रा रे कौन करा जाउ छी ना सोरिष टाकू प्रोडक्शन करा जाउ छी। बालेश्वर कथा उठि छी माने सांग माने गोटे क्वेश्चन एटी अछि मु आपनको कहिबा को चाहू छी जे कि जने भाई कमेंट करथिले बूढ़ा बळंग नदी विषय रे सर किछि कुहंतु मु आपनको देखंतु गोटे नदी उपरे सेपरेट गोटे वीडियो आपनको प्रोवाइड करि छी आपन माने जदि देखिना ती हम प्लेलिस्ट रे विजिट करि जाई कि देखि परिबे बुझिपारुचंती। नदी उपरे आपणकर जहाँ भी डाउट अच्छी गोटे नुह दुईट वीडियो मुझे प्रोवाइड करी गोटे एमसीक्यू आकार रे गोटे थियोरी आकार रे आपण थियोरी प्रथमे देखिकी तापरे एमसीक्यू देखंतु पूरा आपणकर डाउट टा क्लियर हो जिवो जे कि एटा आमर कोउटी ना आमर आई बटम रे भी आपण यार लिंक टाकू पाई परिबे बुझुचंती। आई बटम रे भी यार लिंक आपण पाई जिवे। मु आपणको बुढ़ा बळंग नदी विषय रे किछि कहू छी आपण मने रखंतु बुढ़ा बळंग नदी कौठ ओरिजिनेट होती जदि पचार बुढ़ा बळंग नदी कौठ ओरिजिनेट होती ना आपण कहे शिमिलीपाल मासिफ। शिमिलीपाल मासिफ रु जैक ओरिजिनेट होती बुढ़ा बळंग नदी जदि डिस्ट्रिक्ट कथा पचार बुढ़ा बळंग नदी क्यों डिस्ट्रिक्ट रु ओरिजिनेट होती शिमिलीपाल मासिफ माने शिमिलीपाल कौटी कौ डिस्ट्रिक्ट जाऊँच आपण कहे सर शिमिलीपालटा आम मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट जाऊँच ता माने बुढ़ा बळंग नदी आम मयूरभंज रु ओरिजिनेट होती
बुढ़ा बलंग मयूरभंज रु ओरिजिनेट होइछि। फास्ट क्लियर गोटे क्वेश्चन देखु फास्ट आप जान लें कि बुढ़ा बलंग शिमिलीपाल मसीपुर जैक ओरिजिनेट होइछि। शिमिलीपाल मसीपटा जैक यदि आम डिस्ट्रिक्ट कथा पचारे आपड़ कहे मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट। दुटा क्वेश्चन गला। तृतीय क्वेश्चन हूँ बुढ़ा बलंग ओडिशार केउ डिस्ट्रिक्ट प्रभावित होशार केउं जिले प्रभावित हो कौन कहे ना ओडिशार गोटे है आम मयूरभंज गोटे है बालेश्वर मयूरभंज और बालेश्वर से बुढ़ा बलंग नदी प्रवाहित होपर क्वेश्चन टी आपको पचार मयूरभंज ओडिशार केतोटी डिस्ट्रिक्ट प्रवाहित होशार दुईट डिस्ट्रिक्ट आमर बुढ़ा बलंग नदी प्रवाहित हो गोटे है मयूरभंज गोटे है बालेश्वर। तापर आउ गोटे क्वेश्चन सांग मैंने आपको पचार बोली मानने नुह कि आप भावतु कि डेफिनेटली पचार यार भितर गोटे क्वेश्चन आसी पारे बुझुचंती ना नदी उपर गोटे क्वेश्चन आसी पारे कि दुटा क्वेश्चन आसी पारे ता मानने नुह कि पर्टिकुलर बुढ़ा बलंग नदीटा को आमको पचार दबो कही होनी पचार दे पारे से कि आप नदी उपर पूरा जो क्वेश्चन अच्छे आप पढ़ी जातु गोटे कि दुईट आप एग्जाम देखा पाइबे। आमको पचार बालेश्वर केउ नदी कूल अवस्थित कौन कहे बालेश्वर केउ नदी कूल अवस्थित ना बालेश्वर जे कि आमर बुढ़ा बलंग नदी कूल अवस्थित बुढ़ा बलंग ठीक अच्छे बालेश्वर देखिए जा लास्ट को बे अफ बेंगल पड़ी बुढ़ा बलंग नदी क्लीयर ना आउ कौन अच्छे भाई जो भाई कमेंट करते से भाई जदि बुझीपारे भाई कहतु ना आपको आम सेपरेट गोटे आउ गए भिड प्रोभाइड करूँ तेज चलतु नेक्स्ट क्वेश्चन देखा क्वेश्चन नंबर नाइन कहूँ हू एमंग द फॉलोइंग इज द फास्ट रेसीपिएंट ऑफ अतिबड़ी जगन्नाथ दास अवार्ड। आमर जो अतिबड़ी जगन्नाथ दास अवार्ड प्रथमे क्या दि जाइला कहतु प्रथमे अतिबड़ी जगन्नाथ दास अवार्ड किए रिसीव करते कहतु करेक्ट आंसर कौन हम ना ऑप्शन डी राधामोहन गडनायक। राधामोहन गडनायक जे कि आमर अतिबड़ी जगन्नाथ दास अवार्डटा को प्रथम रिसीव करते क्वेश्चन नंबर नाइन र ऑप्शन डी हो करेक्ट आंसर। जदि आपको पचार केबे रिसीव करते ना 1993 जे कि राधामोहन गडनायक अतिबड़ी जगन्नाथ दास अवार्डटा को रिसीव करते जे कि मसीहा भी मन रखुवे जमा भी भूलिबेनी। क्वेश्चन नंबर 10 आमको कहला हुई टेम्पल इज ह्वाइट पगोडा। यहाँ तो बहुत इजी क्वेश्चन बहुत थर मुझे आपको डिस्कसन कराई हुई टेम्पल इज ह्वाइट पगोडा। केउ मंदिर को ह्वाइट पगोडा कह जाए कहतु ना ऑप्शन ए जगन्नाथ टेम्पल जगन्नाथ मंदिर को ह्वाइट पगोडा बोली कह जाए। जगन्नाथ मंदिर जे कि आम एटा पुरी रे अवस्थित समस्ते जाइछन्ती किंतु 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 पुणी कौन ना किंतु या रहिला 10 नंबर क्वेश्चन माने लेखिकी 10 नंबर आपण मानक गोटे क्वेश्चन अच्छी आपण मैंने कमेंट करूँ जे कि जगन्नाथ मंदिर उच्चता केते एवं अरुण स्तंभर उच्चता केते अरुण स्तंभर उच्चता केते एवं जगन्नाथ मंदिर उच्चता केते ठीक अच्छे क्वेश्चन नंबर 10 लिखिकी आपण एटा आमको कमेंट करूँ। जदि ब्लाक पगोडा कथा पचार था आपण कही था कोणार्क सन टेम्पल को ब्लाक पगोडा बोली कहुए। चलतु नेक्स्ट क्वेश्चन देखा क्वेश्चन नंबर 11 क्वेश्चन टी कह हु इज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ ओडिशा हाइकोर्ट। ओडिशा हाइकोर्टर प्रथम चीफ जस्टिस किए थे किए थे ना ऑप्शन सी बीरकिशोर राय। बीरकिशोर राय जे कि आमर ओडिशा हाइकोर्टर प्रथम चीफ जस्टिस थिले सहीला। चलतु नेक्स्ट क्वेश्चन देखा क्वेश्चन नंबर 12 क्वेश्चन नंबर 12 कहूँ द इंचुड़ी सत्याग्रह बिगेन। इंचुड़ी सत्याग्रहटा आमर केबे होइतिला समस्ते जानते 1930 तो आमर इंचुड़ी सत्याग्रह होइतिला किंतु पर्टिकुलर डेट कौन मुझे आपको जो क्वेश्चनटा भी कहे तार पर्टिकुलर डेटा कही था डेटा कहले कौन ना ये जमी एवं क्वेश्चन पचारदेला 1930 तो सबुति आपे कि करेक्ट आंसर कौटा से कि मसीहाटा आपको बहुत गुरुत्वपूर्ण से कहे कि आप मसीहा को मन रखुदूँ। क्वेश्चन नंबर 12 रो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी एप्रिल 6 1930 जे कि आमर कौन ना इंचुड़ी सत्याग्रहटा होता एवं 1920 कौन होता कहतु 1920 जे कि आमर कौन होता ना नन कोऑपरेशन मूवमेंट असहयोग आंदोलन 1920 होता 1942 कौन होता ना भारत छाड़ आंदोलन होता मन पड़ी 1942 भारत छाड़ आंदोलन होता एवं 1946 कौन होता कहतु 1946 कौन होता मन पड़ूनी 1946 कौन होता मुझे बहुत थर सांग
1946 कौन हो ठीक अच्छे 1946 तो आम डिस्कसन करवा प्रथम आपड़ जाणी रखत 1912 कौन होता 1912 बिहार सेपारेट होता ओडिशा बिहार सेपारेट होता ओडिशा बिहार 1912 सेपारेट होता एवं 1946 कौन होता आप कमेंट करेंगे ठीक अच्छे आपण मानी यहाँ प्रश्न रहा जो कि क्वेश्चन नंबर 12 लिखिक 1946 कौन होता आपड़ यमुक कमेंट करतु चलतु नेक्स्ट क्वेश्चन देखा क्वेश्चन नंबर 13 क्वेश्चन नंबर 13 सांग मैंने आमको ये पचार व्हिच ऑफ द फॉलोइंग विलेज हाज बिकम द फर्स्ट वन टू बी 100% सोलार पावर विलेज ऑफ ओडिशा ये सांग मैंने क्वेश्चन टी कहि आमर ओडिशार क्यों ग्रामा ओडिशार क्यों ग्रामा जे कि 100% सोलार जे कि कवर होता सोलार ही टोटाल करेन्ट प्रोवाइड करा से ग्रामर नाम कौन करेक्ट आंसर जे कि आमर ये ऑप्शन डी बारीपदा बारीपदा भावेनि बारीपदा इज रॉन्ग आंसर करेक्ट आंसर हूँ बारीपदा बारीपदा जे कि आमर बारीपदा नुहे बारीपदा गोटे जगह अच्छे से गोटे गाँ अच्छी से गाँटा जे कि 100% सोलार पावर कवर कर क्वेश्चन नंबर 14 देखु सांग मैंने हु वाज द लास्ट गवर्नर ऑफ ओडिशा बिफोर इंडिपेंडेंस बढ़िया क्वेश्चन टी ये तो बहुत सारा एक्स्ट्रा क्वेश्चन अच्छी आप जिते लिखिपारंतु मुझे आपको लिखतु ये क्वेश्चन टी कहला कि बिफोर इंडिपेंडेंस स्वाधीनता पूर्वर लास्ट गवर्नर जनरल किए थे कहतु आपन कहे सर ऑप्शन ए चंदुलाल माधवलाल त्रिवेदी होती बिफोर इंडिपेंडेंस रो लास्ट गवर्नर ठीक अच्छे आम तो जाने बिफोर इंडिपेंडेंस रो लास्ट गवर्नर जदि पचार बिफोर इंडिपेंडेंस रो फास्ट गवर्नर किए थे कौन कहे ना सार जॉन ऑस्टिन हबाक सार जॉन ऑस्टिन हबाक ठीक अच्छे सार जॉन ऑस्टिन हबाक जे कि आमर कौन ना फास्ट गवर्नर बिफोर इंडिपेंडेंस रो प्रथम गवर्नर थिले एवं बिफोर इंडिपेंडेंस रो शेष गवर्नर थिले किए ना चंदुलाल माधवलाल त्रिवेदी एटा तो गला बिफोर इंडिपेंडेंस जदि पचार आफ्टर इंडिपेंडेंस कौन कहे स्वाधीनता परे आफ्टर इंडिपेंडेंस आपण कहे ऑप्शन बी जे कि कैलाशनाथ कार्जू जे कि आफ्टर इंडिपेंडेंस परे थिले एवं बिफोर इंडिपेंडेंस रो लास्ट गवर्नर थिले चंदुलाल माधवलाल त्रिवेदी एवं बिफोर इंडिपेंडेंस रो प्रथम गवर्नर थिले सार जॉन ऑस्टिन हबाक ठीक अच्छे तेज चलत नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जे कि आज शेष प्रश्न क्वेश्चन नंबर 15 जजेस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आर अपॉइंटेड बाय डैश आमर जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट माने रहिला से डिस्ट्रिक्ट कोर्ट रो जजेस को किए अपॉइंटेड करंती डिस्ट्रिक्ट कोर्ट रो जजेस मानंकु किए अपॉइंटेड करंती करेक्ट आंसर कोन हेबो कोंतु आपण कहबे सर ऑप्शन बी द गवर्नर ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव स्टेट मानंकर जो जजेस माने अछंती तांकु जे कि अपॉइंटेड करंती आमर गवर्नर ऑप्शन बी हे जीवो एठी आमर करेक्ट आंसर आपण मानक पई गोटे क्वेश्चन अछि 15 नंबर लेखिक आपण कमेंट करंतु कि आमर वर्तमान टाइम रे ओडिशा रो गवर्नर किए अछंती वर्तमान टाइम रे ओडिशा रो गवर्नर किए अछंती जे केठी आमर ऑप्शन बी हे जीवो करेक्ट आंसर सांग माने आज वीडियो मु आशा करूची आपण मानक पई बहुत बहुत गुरुत्वपूर्ण रहूची वीडियो को शेष पर्यंत देखंतु भल लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दिंतु लाइक करके वीडियो को शेयर करूँ आपण गोटे सब्सक्राइब गोटे लाइक आमको बहुत सारा मोटिवेशन दिए से ही मोटिवेशन आम आपई ए टाइप सिलेक्टेड क्वेश्चन नहीं कि आसबू तो मुझ बहुत जल्दी आपण मानक नेक्स्ट क्वेश्चन टी नहीं आसूँ जय जगन्नाथ।